हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मॉर्निंग हो गया तो 9:35 थी, थर्न थी रात को। सो संडे से सो नहीं पाए तो एक रजाई और एक ब्लैंकेट, देखिए इसे कुछ काम नहीं बना। फिर जैकेट वैकेट जितने भी थे पहन के कपड़े डाल के सोना पड़ा हमें, तब जाके नींद आई। तो चलिए आपको व्यू दिखाते बाहर के। ये मैं कहीं लेके जाऊंगा। ये देखो मुझे, हाउ डू यू फील नाउ? गुड। देखो मैं कुछ दिखाने। चलिए ये क्या नजारा है शिशु में इन मॉर्निंग व्यू। देखिए गैस, ये है गैस। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ सोने के लिए। हाँ। रात को 3 बजे एंट्री करके सोने के लिए आए। अभी हो गया हमारा सोना, तो आप अभी ये चेकआउट कर रहे हैं। अभी 10 बजे नहीं है, 9:45 हुए। अब कम डिट मैं खोलना है इसको। खुल गया। चेकआउट टाइम है। मदद हो पा रहा है इतना भारी? ऑल सेट, रेडी टू गो। यहाँ से व्यू दिखाते। वाओ 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 वाओ, क्या नजारा है इधर से भी। ये दूसरा साइड ऑफ द होटल। धीरे, आराम आराम से। चल अनिल, ये बैग तो प्रेग्नेंट हो गई। वाओ, क्या ही बताएं गाइस व्यू के बारे में। नजर कितना मस्त लग रहा है। पिछली बार जब हम आए थे इसे पहली बार, तो हम इधर से जाके ये नीचे जो होटल है, इस वाले होटल में हम रुके थे। इसका नाम है होटल हिमालयन हर्मिटेज। गरीब है, जगह नहीं मिली अभी ठीक से। बैग ज़्यादा हो गए रात रातों रात, पता नहीं कहाँ से आ गए। वाओ गाइस, क्या ही बताएं इस नज़ारे के बारे में। अनिल बताएंगे? कुछ बताएंगे? ये यार क्या बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा तो नहीं देखा पहले कभी, है ना? हाँ। वो भी इतने पास से नहीं देखा। ट्रैम्पोलिन पार्क में झूलना है। रियली ऑसम। ऑसम ना? हाय गाइस, सो वेलकम टू सिसु। और ये है सिसु का वो व्यू पॉइंट जहाँ से उधर लेक है व्हिच इज कंप्लीटली फ्रोजन नाउ। इधर वाटरफॉल है वो भी फ्रोजन हो रखा हुआ है, तो इधर जाना इज नॉट पॉसिबल। एंड ये हम जून मंथ से आए थे। ये डिफरेंट व्यूज है इसका ऑल टुगेदर। अभी पूरा स्नो कवर्ड है। रात को 2 बजे पहुँचे थे और उसके बाद दैट इज़ एक्चुअली वर्थ इट विदाउट हैविंग टू फेस एनी ट्रैफिक। ऐसी जगह पे आके पहुँचना इटसेल्फ इज एन अचीवमेंट ऑन द वीकेंड। एंड यहाँ पे देखिए आप लोग ऑलरेडी आके यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं। इधर जिप लाइनिंग भी होती है। यू वांट टू डू जिप लाइनिंग मुदे? यू वांट टू डू जिप लाइनिंग? नो, कम मुदे। मैंने तुम्हारे पॉकेट में आइस फेंक दिया। ओ अरे रुको, तुम्हारे आइस तो आइस दिख ही नहीं रही। देखो रुको, उसके ऊपर। हाँ जीप लाइनिंग चल रहा है। वहाँ पे आगे एक पुल था, वो पुल भी जो फ्लड आया था हिमाचल में, तो पुल बह गया पूरा। अभी दोबारा बना नहीं वहाँ पे पुल, आगे ही था। शिशु पड़ता है अटल टनल से और
10 किलोमीटर होगा, 11 किलोमीटर होगा अटल टनल से। ज़्यादा दूर नहीं है, रास्ता बढ़िया है, अभी तो आ सकते हो। शायद कुछ दिन बाद, जनवरी के बाद आ नहीं पाओगे यहाँ पे, क्योंकि अटल टनल के बाद, गाड़ी आना अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा हो जाते, गाड़ी फंसने की बहुत मतलब चांसेस होते हैं। 4x4 गाड़ी होते हैं तो उन लोगों को आने देते कभी कभी, और स्मॉल गाड़ियों को तो और टू व्हीलर को अलाउ नहीं करते। तो अभी आइए, अभी गैस ब्रेकफास्ट चल रहा है हमारा यहाँ पे। क्या क्या है ब्रेकफास्ट में? ये मुझे परांठे मैगी है, परांठे दिख रहे हैं। मैगी तो ख़त्म ही हो गई है, अभी और मंगवाइए, ऑर्डर कर दिए। ऑमलेट खाओगे? ऑमलेट खाओगे? ऑमलेट तो बोला, अच्छा खाना, अच्छा है। देखो ये है, तो यहाँ से आ रहा है खाना। मुरीट खा ली मैगी? चलो नहीं, अंकल के साथ, वो अंकल अच्छे से लेके जाते ना। चलो 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 चलो, चलते रहो, सीधा हो जाओ, सीधा हो। चलो हम आ गए पॉइंट पे। चलो, ओ जिप लाइनिंग पहले भी किया था, मज़ा आता है, सेकंड टाइम कर रहे हैं अभी, उस पार जा रहे हैं उस पार। वाव, ये पॉइंट है, ये देखो हमारे हीरोइन हीरोइन जा रहे हैं दोनों। अनिल डरना नहीं, जाओ अनिल, थोड़ा डर रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है। पूजा तो नहीं डर रही? पूजा ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय, बोलो मुझे बाय। इनके साथ आपके साथ जाएंगे? आपके साथ मेरे साथ जाएंगे? गिर जाओगे? जा रहे ऊपर, जाए जा रहे, बच गया। मुझे ठंड लगेगी, आ जाओ। इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, आके बता नहीं सकते। आइए बिल्कुल यहाँ पे शिशु में, हवा चल रही है इधर ऊपर से। वाह कितना अच्छा, देखो गाइस मुझे तो ऊपर चढ़ गया, और देखो क्या गिरा रहा है मुझे, मेरे ऊपर नहीं। मुनीत नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं ऊपर नहीं, अभी
अभी नीचे चलते हैं, मुझे सीधा ये रोड है, चलो ये रोड है, जा नीचे जाने का, जाओ गिरो गिर, उधर से उधर से उधर से पे रखो, चलो 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 उधर से, हाँ चलो इधर से इधर, चलो धीरे 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 चलो धीरे धीरे चलो, चलो तुम रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो हम दोनों गिर जाएंगे, इधर से इधर से, ध्यान से, हाँ ध्यान से, हाँ चलो चलो चलो, चलते अपन भी मजा रहता है आज की, रेडी रेडी फॉर रिटर्निंग, जिप लाइनिंग में रिटर्न हो रहे हैं अभी आप, मेरे को यहाँ से लेके, यहाँ से लेके फिर यहाँ से जहाँ जाके जाते उस पार नदी के उस पार पहुँचते हैं हमें जहाँ से आए थे। सो ये लेक है, लेक पूरी जम गई है और मानस इस पे चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं चलते हैं गिरते हैं क्या कर पाते हैं, देख के फिसलना मत, वो देखो वो देखो, नाइस वेरी गुड, वुडलैंड काम आ रहा है आज, पर एक बार गिर गए फिर उठ नहीं पाओगे, फिर मुश्किल है गाइस। ये शिशु का लेक है, सारे जम गया है पानी, जम के अभी ऐसा दिखता है नज़ारा, नज़ारा ही नज़ारा सारे बैठ में, पहले यहाँ पे बोटिंग हुआ करता था एक टाइम पे समर में, अभी देखिए गाइस बोटिंग कहाँ है, इसके ऊपर जाके स्केटिंग कर सकते हैं, अभी पानी है ही नहीं, बर्फ बन गई है, लोग मज़े ले रहे हैं यहाँ के, ऊपर रोड दिख रहा है, वो पोरोची दाची रहे से ले जाता है, लेह तक लेह लद्दाख ऐसे जाता है, इतना ठंड है, -14 degrees टेम्परेचर है यहाँ पर, और अभी टाइम हुआ है 150 का टाइम हुआ है अभी, कम से कम मैंने नहीं देखी ऐसी जगह, इतना बर्फीला जगह और इतना प्लेन एरिया है ये, बहुत बढ़िया। क्या बेच रहे हो भाई? तो बॉयल चना, चने की दाल है। ओके okay, क्या है, कैसे देते हो? 40 में चना चाट है, 50 में दाल चना मिक्स है। ओके okay. कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी, ओके okay. कितने दिनों से हो यहाँ पे, या अभी आए हो? नहीं अभी तो 15 दिन हुआ है। 15 दिन ही हुआ है, 15-20 दिन और रुकेंगे फिर, तब से बर्फ है यहाँ पे। हाँ बढ़िया, चलो एक प्लेट बना दो, चना चाट बना, दाल चना मिक्स, मिक्स बना रहे हैं। नहीं है, देखते हैं एक्टिविटी के लिए बना रहे भैया, क्या नाम है भैया इस एक्टिविटी का? ओके, क्या प्राइस लेते हो आप? 500। अच्छा ऊपर से नीचे जाने का 500 rupees है, नाइस, अभी मेंटेनेंस चल रहा है। फिर ऊपर आना था कैसे? अरे यार आने का तो बनाया नहीं आपने, पहले जाते हैं इसके बाद इसकी करते हैं, चढ़ने का तो बनाया नहीं आपने, उतरने का बनाया बनाया सर। तो ये टाइम हो गया है सिसु का जो मेन टूरिस्ट पॉइंट है उसको बाय बाय करने का और इससे आगे जाने का, अभी तो 2 बज गया है लेकिन वी आर ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स दारचा, लेट्स सी हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, रोड कंडीशन क्या है यहाँ पे। बहुत मज़ा आया हमें, अगर आप छोटे बच्चों के साथ आते हो तो मेक श्योर कि उनके लेयरिंग के लिए अच्छे से कपड़े ले आइए और प्लस अपने लिए तो श्योर।
और जब इस व्यू पॉइंट में आप आते हैं तो मेक श्योर कि एक्स्ट्रा 2-3 जोड़ी कपड़े बच्चों के लिए श्योर लाए, अदरवाइज स्नो में खेलने के बाद उनके कपड़े हो जाएंगे गीले। इवन दो आप वो जो रेंट पे मिलते हैं वो ड्रेस पहनो, उसके बाद भी गीले हो जाएंगे। मल्टीपल पेयर्स ऑफ सॉक्स, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स, मेक श्योर टू यू कैरी विद यू। नाउ लेट्स गो आगे। सबको कैसा लगा? शीशु कैसा लगा भाई? अमेजिंग यार, हर बार हर साल आना पड़ेगा, बहुत बढ़िया था। हर साल आना पड़ेगा। और पूजा क्या, पूजा क्या कहना है? अमेजिंग अमेजिंग। और नयनमणि एज ऑलवेज, मुदित पैसा वसूल, पैसा वसूल ना, हाँ हाँ जगली पैसा वसूल। और ये व्यू क्या है बताएं, यहाँ से भी देखो आप। वाओ, ये देखो बोल रहे भाई प्राउड टू बी हिमाचली, लेकिन फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम हिमाचली, आई नेवर विजिटेड हियर। एक्चुअल में बोले जन्नत, हम असम से होके 3 बारी चक्कर लगा चुके हैं। ऊपर धुआं निकल रहा है देखो। गाइस यही मजा है हिमाचल आने का, दिसंबर में, हर टाइम विंटर में, हाँ हर टाइम। और लैंडस्केप तो देखो हर जगह का अलग अलग है। अब कहाँ कौन सी जगह है, कांगड़ा में जाओ, धर्मशाला जाओ, अलग व्यू है। मंदी आओ, कुल्लू आओ, मनाली आओ, यहाँ पे अलग जगह, लाहौल आओ, स्पीति आओ, ले जाओ। या दिस प्लेस इज ऑलवेज बेस्ट, मनाली एंड दिस शिशु। शिशु में तो आना ही चाहिए, शिशु में नहीं आया तो कहाँ ही आया, क्या ही देखा आपने यहाँ पे। नहीं और इस बार हमें कोई टेंशन नहीं, हम पहाड़ी वाला ड्राइवर हायर कर लिया तो हमें कोई टेंशन नहीं, कहीं भी फंस जाएंगे कोई टेंशन नहीं है। और ये पहलवान भी है, गाड़ी कहीं भी फंस जाएगी उठा के निकाल लेगा। तो इस बार हम टेंशन, बिना टेंशन के आए। If someone is coming to Manali only and he is going back, तो उसने कुछ नहीं देखा। Yes. और ये रास्ता आगे कहाँ जाता है? ये ले लद्दाख, बराला चला, पहले बराला चला आएगा। चले ले क्या? ये वैसे ऊंचाई पे थोड़ी ऑक्सीजन कम तो होती है। हाँ। और ये मैंने जिम्मे थोड़ा सा ब्लॉगर ने बताया। गाइस देखो साइड में जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे वाटरफॉल्स हुआ करते थे ग्लेशियर से, तो अभी देखो जम गए हैं। एक भी वाटरफॉल आपको नहीं दिखेंगे यहाँ के, बस बहने के वो निशान है। अभी कुछ भी नहीं है, पानी तो नाम का भी पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर, बर्फ ही बर्फ है। जहाँ भी नज़र घुमाओ बर्फ ही नज़र आएगी। और क्या, हम बर्फ़ देखने के लिए आए थे, पानी देखने के लिए थोड़ी आए थे। होटल में तो कुछ और ही हो गया था, पानी पानी नहीं है होटल में। मनाली में शायद होगा, यहाँ पे नहीं, जगह पे नहीं। गाइस तो अभी हम रिटर्न हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली केलांग से आगे हमें जाने को अलाउ नहीं हुआ, वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक लिया। टाइमिंग है 8 to 2, अगर आप जाना चाहते हैं बियॉन्ड सिसु तो मेक श्योर कि इस टाइम के बीच आप जाए, अदरवाइज हमारी तरह घूम के आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया है हमें यहाँ पे फोटो सेशन वगैरह करने के लिए, तो यस आगे चलते हैं।
गाइस ये देखो अभी जो जिस जगह पे हम हैं ये टेम्परेचर देखो -6 डिग्री यहाँ पे लाहौल स्पीति फ्रीजिंग कोल्ड। टांडी से सिसु के साइड पे जब हम रिटर्न आ रहे थे तो हमने देखा ये आइस कवर्ड बिल्कुल एक फ्लैट सा एरिया जहाँ पे कोई नहीं था। और ऐसी जगह हम कैसे छोड़ सकते हैं, फटक सा गाड़ी रोक दी और जाके यहाँ पे बहुत सारे मस्ती करी, बहुत सारे फोटोज क्लिक करी हमने। बढ़िया मिल गया और वो भी लास्ट। गाइस क्या क्या खा रहे बता रहे, चिकन चावल, राजमा चावल, कढ़ी चावल, बहुत सारी मुझे कप दिख रही है। किस किस ने चाय पी, ठीक है टेस्टी खाना टेस्टी है। पूजा ने मैगी मंगवा ली, बोला तो है।